हेलो एंड वेलकम टू मिशन सक्सेस। मिशन सक्सेस में आप सभी लोगों का वेलकम है डियर फ्रेंड्स। और आज के इस कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर में हम बात कर रहे हैं प्रीपोजिशन के बारे में। और एक चीज़ आपको समझनी होगी कि आज जिस प्रीपोजिशन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो हमारा होने वाला है ऑफ। ऑफ ये ओ डबल एफ वाला है, ये बिल्कुल ये बताता है सेपरेशन का भाव बताता है, जहाँ पे कोई चीज़ सेपरेट हो रही है। सेपरेशन का मतलब होता है अलगाव से अलग, अलगाव जो चीज़ें रहती हैं वो सारी चीज़ें होती हैं। इसका भी मतलब होता है से कोई चीज़ से अलग होती है, मानी कि अलग होती है, जैसे कि किसी स्थान से अलग होना, से अलग होना, पहला यूज इसका आप समझिए, से अलग होना। किसी भी चीज़ से कोई चीज़ अलग होगी तो से अलग होगा कोई भी चीज़, जैसे कि ही फेल ऑफ द ट्री, ही जम्प्ड ऑफ द हाउस हॉर्स, ही जम्प्ड ऑफ द हॉर्स। वो घोड़े से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, मतलब उस वहाँ से जंप कर रहा है तो वो अलग हो गया वहाँ से। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं अलग होने के अर्थ में, अलग के अर्थ में भी यूज़ करते हैं। अब कैसे आप समझिए इसको ध्यान से, कि टेक द कर्टन ऑफ देयर बुक्स, ही इज स्लीपिंग, द चाइल्ड इज ईटिंग ऑफ द प्लेट, द चाइल्ड इज ईटिंग ऑफ द प्लेट, वो प्लेट से बिल्कुल अलग करके खा रहे हैं। तीसरी चीज़ है कोई चीज़ से दूरी होने के भाव पे, कुछ दूरी होने का भाव हो तो वहाँ भी यूज़ करते हैं। अब वहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे उसको आपको समझना होगा कि किस तरीके से हम दूरी होने के भाव में यूज़ करते हैं। जैसे कि माई हाउस इज सिचुएटेड ऑफ द मेन रोड, माई हाउस इज सिचुएटेड ऑफ, थोड़ी दूर है, ऑफ द मेन रोड, ऑफ द मेन रोड। इसी तरीके के और भी सेंटेंसेस हम यहाँ पे बता सकते हैं, हटा देना कोई चीज़, रिमूव कर देना, हैज़ बीन रिमूव्ड, कोई चीज़ बिल्कुल रिमूव्ड हो चुकी है वहाँ भी यूज़ करते हैं। लाइक कि योर नेम हैज़ बीन स्ट्रक्ट ऑफ फ्रॉम द लिस्ट, योर नेम हैज़ बीन स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द लिस्ट। और इसके साथ अगर हम बात करें तो आप समझ सकते हैं दाम की गिरावट में, कोई चीज़ के दाम में गिरावट होती है तो वहाँ भी हम यूज़ करते हैं। अब वो किस तरीके से हम समझेंगे, दे हैव डिक्लेयर्ड 30% ऑफ देयर गुड्स टू प्रमोट देयर सेल। तो ये चीज़ें हैं, दाम में गिरावट होती है तो वहाँ भी हम कहते हैं 30% ऑफ, 20% ऑफ, आपने देखा होगा बहुत बार, ये बहुत सी कॉमन सी चीज़ है जहाँ पे आपने देखा होगा इसका यूज़ करते हुए। अगर आपको अनिच्छा व्यक्त करनी हो कि यार किसी चीज़ में आपकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, अनिच्छा व्यक्त करनी हो आप, वहां भी जैसे ही इज ऑफ ड्रिंक फॉर अ मंथ, ही इज ऑफ ड्रिंक फॉर अ मंथ। तो ये चीजें हैं जहां पे आप समझ सकते हैं, जैसे सम पीपल आर ऑफ मीट ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, सम पीपल
आर ऑफ ड्यूरिंग और ड्यूरिंग दुर्गा पूजा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। देखिए, स्विच ऑन और ऑफ, आपने देखा है ना, बत्ती बुझा दो और बत्ती जला दो। ऑफ का मतलब होता है बुझा देना, ऑन का मतलब होता है जला दो। तो वहाँ पे हम चीज़ें चेंज हो जाती है वहाँ पे उस कंडीशन में, ये चीज़ आपको समझ में होगी। तो आई होप कि ये चीज़ें आप सभी लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग अ प्रीसियस टाइम। एट द लास्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।